गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट प्लेन्स। हम देखेंगे कि किस यूनिट प्लेन्स क्या होते हैं और किस तरह से ये यूनिट प्लेन्स बेनिफिशियल होते हैं थिक लेंस फार्मूला निकालने के लिए। क्योंकि पहले हमने देखा था कि थिक लेंस फार्मूला जब हम निकालते थे तो एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन बन जाती थी हमारी, फिर उसको पूरी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स को सोल्व करना पड़ता था। लेकिन विद द हेल्प ऑफ यूनिट प्लेन वी कैन फाइंड आउट दी थिक लेंस फार्मूला वेरी इजीली। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिट प्लेन्स कि यूनिट प्लेन्स क्या है। यूनिट प्लेन क्या है, बेसिकली आपके पास दो प्लेन्स हैं, एक तो जिसमें से एक प्लेन तो होगा आपका ऑब्जेक्ट की साइड में, ऑब्जेक्ट प्लेन में, और दूसरा होगा आपका इमेज की साइड में, ठीक है। और वो किस तरह से होंगे कि इन दोनों प्लेन्स की लेटरल मैग्नीफिकेशन आपकी यूनिटी होगी और पॉजिटिव होगी। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका सपोज़ एक यूनिट प्लेन ले लिया आपने, जैसे इस फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, फिगर 4.8 के अंदर अगर हम देखें, फिगर 4.8 के अंदर अगर हम लोग देखें, इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आपका एक प्लेन तो लेफ्ट साइड में, ये आपका ऑप्टिकल सिस्टम है, ये वाला आपका ऑप्टिकल सिस्टम है, ठीक है। एक लेंस है सपोज, इसके लेफ्ट साइड में आपको डी यू वन डिस्टेंस पे एक लाइन लगी हुई दिख रही है, ये वाली, दिस इज़ प्लेन वन एंड दिस इज़ प्लेन टू। दिस इज़, ये प्लेन आपका ऑब्जेक्ट की साइड में है और दूसरा प्लेन आपका इमेज की साइड में है। तो किस तरह से होंगे ये यूनिट प्लेन, अगर आपकी कोई रे ऑफ लाइट किसी हाइट पे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपका यूनिट प्लेन है उससे पास करती है, तो जो आपकी राइट हैंड साइड वाला यूनिट प्लेन होगा उस प्लेन से भी वो रे उसी सेम हाइट पे रहेगी। दैट मींस कि अगर मान लो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं वाई वन, ये वाला जो हाइट है, और दूसरा हम जो वी वी की साइड है आपका उसको मान लेते हैं वाई टू, ठीक है। तो अगर हमारे पास y1 और y2 इक्वल होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों प्लेन्स कैसे हैं, यूनिट प्लेन्स हैं। तो यूनिट प्लेन्स के लिए क्या होगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन क्या होती थी, इन दोनों के हाइट का रेशियो को ही हम मैग्नीफिकेशन बोलेंगे, y2 बाई y1 को ही मैग्नीफिकेशन बोलेंगे। तो y1 और y2 अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब आपकी मैग्नीफिकेशन कितनी हो चुकी है, इस टाइम पे मैग्नीफिकेशन हो चुकी है 1। तो अगर आपकी तो यूनिट प्लेन कैसे प्लेन है, दो प्लेन का सेट होगा, जिन दो प्लेन में से एक प्लेन तो आपका ऑब्जेक्ट प्लेन में, ऑब्जेक्ट की साइड में एग्जिस्ट करेगा और दूसरा आपका इमेज की साइड में एग्जिस्ट करेगा। और ये प्लेन किस तरह से होंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जिस हाइट पे, जो आपकी मान लो सपोज कोई एक रे किसी हाइट वाई वन पे प्लेन वन में वन से पास कर रही है, तो वो जो वही सेम रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जब ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर से पास करेगी, तो अब जैसा भी आपका ऑप्टिकल सिस्टम होगा, अगर आपके ऑप्टिकल सिस्टम में दो स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं तो इसका मतलब दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर आपके सिस्टम के अंदर तीन स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं तो आपके आपके पास क्या हो रहा है, तीन बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अगर आपके पास n रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं ऑप्टिकल सिस्टम में तो n बार रिफ्रैक्शन होगा। तो उन n रिफ्रैक्शन से पास होने के बाद जब वो रे आपकी ऑप्टिकल सिस्टम को क्रॉस कर जाएगी और इमेज की साइड जाओगे आप, तो उस इमेज प्लेन में आपको जब y1 y2 के इक्वल मिलेगा, तो उन जिस जिन दो प्लेन्स में y1 y2 इक्वल हो जाएंगे उन दो प्लेन्स को हम क्या बोलेंगे, दीज टू प्लेन्स आर सेट ऑफ यूनिट प्लेन्स। आ गया ना समझ में। तो यूनिट प्लेन कौन सा प्लेन हुआ, जहाँ जिस जिन दो प्लेन्स के कोरस्पोंडिंग आपकी, या तो हम बोलें लेटरल मैग्नीफिकेशन कितनी हो गई, वन हो गई, या फिर हम बोलें कि जो हाइट आपकी रे की प्लेन वन में रहेगी वही सेम हाइट आपकी प्लेन टू में रहेगी, कितने भी रिफ्रैक्शन हुए हैं बीच में, ठीक है, कितने भी रिफ्रैक्शन आपके बीच में हुए हैं, लेकिन जो हाइट आपकी प्लेन वन में होगी वही सेम हाइट आपके कहाँ पर रहेगी, प्लेन टू में रहेगी। तो उन दो प्लेन्स के सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिट प्लेन्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन यूनिट प्लेन की। उसके बाद हमें मैग्नीफिकेशन की एक इक्वेशन निकालनी थी, जब हमने डिस्कशन किया था कि हमारे पास एक ऑप्टिकल सिस्टम है और उस ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर किस तरह से आपकी मैग्नीफिकेशन की इक्वेशन आएगी, तो वो इक्वेशन हमने इक्वेशन निकाली थी वहाँ पे 4.51। देखते हैं एक बार 4.51 इक्वेशन क्या थी हमारे पास।
जब हमने ये मैग्निफिकेशन निकाली थी किसके लिए, एक ऑप्टिकल सिस्टम के लिए, तो वो जो इक्वेशन 4.1 में निकल के क्या आई थी, बी प्लस ए डी वन इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन जो आपकी निकल के आई थी, बी प्लस ए डी वन इज इक्वल टू 1/c माइनस ए डी टू इज इक्वल टू 1/m। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, मैग्निफिकेशन को। ए बी सी डी क्या है आपके, ए बी सी डी आर दी एलिमेंट ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स। जो हमने सिस्टम मैट्रिक्स मानी थी कि हमारे पास अगर मान लो एक ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर से कोई भी एक रे पास कर रही है, तो उसमें सिस्टम मैट्रिक्स आपकी क्या निकल के आती थी, ए बी माइनस ए माइनस डी, ये वाली जो आपकी मैट्रिक्स है ना, ये इसको हमने क्या बोला था, सिस्टम मैट्रिक्स बी माइनस ए माइनस डी सी। तो ये जो ए बी सी डी हैं ये क्या है, इसके एलिमेंट है सिस्टम मैट्रिक्स के। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, जो फाइनली हम निकाल चुके हैं, ये इक्वेशन है बी प्लस ए डी वन इज इक्वल टू 1/c माइनस ए डी टू इज इक्वल टू 1/m। इस इक्वेशन 4.1 को हम डायरेक्टली अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल सिस्टम के लिए ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल सिस्टम के लिए ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो इमेज का डिस्टेंस आपका क्या है, इसमें मान लिया हमने जैसे फिगर 4.8 में हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो डी यू वन हो गया लेफ्ट में डिस्टेंस, और जो आपका इमेज का डिस्टेंस हो गया वो डी यू टू, एक पहला यूनिट प्लेन हमने मान लिया डी यू वन डिस्टेंस पे, जहाँ पे हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दूसरा यूनिट प्लेन मान लिया डी यू टू डिस्टेंस पे, जहाँ पे हमारी इमेज रखी हुई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन बी प्लस ए डी वन, जो हमने अभी इक्वेशन 4.51 देखी थी ना, उस वो क्या थी, बी प्लस ए डी वन इज इक्वल टू 1/c माइनस ए डी टू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी वन की जगह तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं हम, ए डी वन की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, इस इन प्लेस ऑफ ए डी वन, डी वन की जगह तो हो गया आपका डी यू वन, और डी टू की जगह हो गया डी यू टू। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी, बी प्लस ए डी यू वन इज इक्वल टू 1/c माइनस ए डी यू टू इज इक्वल टू 1। तो अलग अलग क्या हो जाएगा आपके पास, ए डी बी प्लस ए डी यू वन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जब बी प्लस ए डी यू इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी को दूसरी साइड ले गए, ए डी यू वन किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे ए डी यू वन किसके इक्वल आ गया, 1 - b के इक्वल आ गया। और यहाँ से क्या हो गया, डी यू वन किसके इक्वल आ गया, डी यू वन इज इक्वल टू 1 - b बाई ए के। ऐसे ही सिमिलरली सी माइनस आपका ए डी यू टू किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। और यहाँ से क्या हो गया, सी माइनस 1 इज इक्वल टू ए डी यू टू को आप दूसरी साइड ले गए, तो ये हो गया सी माइनस 1 इज इक्वल टू ए डी यू टू। और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, डी यू टू इज इक्वल टू सी माइनस 1/a के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब आपने ये कंडीशन किसके लिए निकाल ली, जो ये इक्वेशन निकल के आई आपकी 4.66 एंड इक्वेशन 4.65, जो ये आपकी दो इक्वेशन निकल के आई ना, 4.66 एंड इक्वेशन 4.65, इन दो इक्वेशन से आपने रिलेशन निकाल लिया, डी यू वन और डी यू टू की वैल्यू निकाल ली, कि जो आपका डिस्टेंस होगा पहले यूनिट प्लेन का ऑप्टिकल सिस्टम से और दूसरे यूनिट प्लेन का ऑप्टिकल सिस्टम से, वो किस रिलेशन में निकाल लिया आपने, सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की टर्म्स में निकाल लिया। डी यू वन आ गया 1 - b/a और डी यू टू आ गया c - 1/a। अब हम क्या माने कि आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हो, ये तो हमने प्लेन्स मान लिए, इमेज प्लेन और ऑब्जेक्ट प्लेन, ठीक नहीं, फर्स्ट यूनिट प्लेन और आपका सेकंड यूनिट प्लेन आपने मान लिए। अब हमारे ज़रूरी थोड़ी है कि हमने ये तो एक हमने ये माना है कि यूनिट प्लेन एग्जिस्ट करेंगे, कि यूनिट प्लेन इस तरह के प्लेन होंगे जहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन यूनिटी मिलेगी, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट हो वो ज़रूरी तो नहीं ना कि यूनिट प्लेन पे ही रखा हो। तो हम मान लेते हैं आपका यूनिट प्लेन के लेफ्ट में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट यूनिट प्लेन के लेफ्ट में कहीं रखा हुआ है और जो आपकी इमेज बन रही है वो आप मान लेते हो कि कहीं सेकंड यूनिट प्लेन के राइट में कहीं बन रही है, तो जो फर्स्ट यूनिट प्लेन से ऑब्जेक्ट हम अब हम डिस्टेंस ना ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करने की बजाय ऑब्जेक्ट का हम कहाँ से मेज़र कर लेते हैं, फर्स्ट यूनिट प्लेन और सेकेंड यूनिट प्लेन से मेज़र कर लेते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस। तो आपका क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट प्लेन से आपका ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस पे है और सेकंड यूनिट प्लेन से आपकी इमेज वी डिस्टेंस पे है। क्या माना हमने, ये डिस्टेंस तो मान लिया यू फर्स्ट यूनिट प्लेन और ऑब्जेक्ट के बीच में, और सेकंड यूनिट प्लेन और इमेज के बीच में डिस्टेंस मान लिया वी। और हमारे पास क्या होता था कि जो हमारा
ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था उसको हम मान के चलते थे डी वन, और जो आपका ऑप्टिकल सिस्टम से इमेज का डिस्टेंस होता था उसको हम मान के चलते थे डी टू। और हमारे पास इक्वेशन एग्जिस्ट करती थी इक्वेशन 4.46 जो आपने ऑप्टिकल सिस्टम के लिए कंडीशन लगा के निकाली थी, पिछले लेक्चर में हम निकाल चुके हैं ये। तो इस इक्वेशन को अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। किस तरह से डायरेक्टली यूज़ करेंगे, बी डी टू हम माइनस डी प्लस ए डी वन डी टू माइनस सी डी वन इज इक्वल टू जीरो, जो हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई थी वहाँ पे कि आपका अगर इमेज का डिस्टेंस क्या है, अगर आपका क्या है इमेज का डिस्टेंस, आपका क्या क्या हो जाता था इसके अंदर कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसके कोरस्पोंडिंग इमेज भी आपको कैसी मिलेगी, पॉइंट इमेज मिलेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी जीरो है तो इमेज की भी हाइट जीरो होगी। दैट मीन्स अगर वाई वन जीरो है तो फॉर ए ऑप्टिकल सिस्टम डेफिनेटली आपको वाई टू भी जीरो मिलेगा। वो कंडीशन निकाल लगा के ये इक्वेशन 4.46 हम लोगों ने उस टाइम पे निकाल ली थी। तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बी डी टू माइनस डी प्लस ए डी वन डी टू माइनस सी डी वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें ए बी सी डी तो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स, और डी वन डी टू क्या है, डी वन इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड डी टू इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड स्टेप में इसके क्या हो जाएगा, डी टू को हम कॉमन ले लेते हैं, तो डी टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बी प्लस ए डी वन और बच गया माइनस डी माइनस सी डी वन, उसको राइट साइड में ले गए तो प्लस हो गया, तो क्या बन गया डी प्लस सी डी वन। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टू किसके इक्वल आ जाएगा, डी टू इज इक्वल टू डी प्लस सी डी वन डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डी वन। अब हम क्या करेंगे, जो ये डी वन और डी टू की है वैल्यूज़ पुट कर देंगे। डी वन बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल आया था भाई, अगर हम डिस्टेंस मेजर 4.67 और 4.68 को हम देखेंगे, अगर हम डिस्टेंस 4.67 में हम क्या देखेंगे कि अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का फ्रॉम, अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का फ्रॉम फर्स्ट यूनिट प्लेन, तो क्या हो जाएगा डी वन किसके इक्वल आ जाएगा, यू प्लस डी यू वन के, और ऐसे ही आपका डी टू किसके इक्वल हो जाएगा, वी प्लस डी यू टू के। और यू डी यू वन और डी यू टू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन 4.65 और 4. इस इन दो इक्वेशन में 4.65 और 4.66 में। तो हमारे पास क्या हो जाता है, डी वन की जगह पुट कर दोगे आप वन माइनस बी बाई ए, और डी यू टू की जगह पुट कर दोगे आप सी माइनस वन बाई ए। तो आपके पास डी वन किसके इक्वल हो गया, यू प्लस वन माइनस बी बाई ए, और आपका डी टू किसके इक्वल हो गया, वी प्लस सी माइनस वन बाई ए। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 4.69 आई है, डी टू इज इक्वल टू डी प्लस सी डी वन बाई बी प्लस ए डी वन, इसमें हम क्या कर देंगे, डी वन और डी टू की वैल्यू पुट कर देंगे। डी वन की क्या वैल्यू, यू प्लस सी माइनस वन बाई ए, और वी वन की आपकी डी वन की वैल्यू वी प्लस सी माइनस वन बाई ए। ठीक हो गया। तो अब डी डी वन और डी टू की आपने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, डी टू को पुट कर दिया वी प्लस सी माइनस वन बाई ए, ये यहाँ पे पुट कर दिया आपने लेफ्ट हैंड साइड में इसमें, और आपने राइट हैंड साइड में किसकी पुट वैल्यू पुट कर दी, डी वन की वैल्यू पुट कर दी जहाँ जहाँ डी वन था। तो ये बन गया डी प्लस सी, ये वाला आपका बन गया डी प्लस सी यू प्लस वन माइनस बी बाई ए, और नीचे बन गया आपका बी प्लस ए, और डी वन की जगह यू प्लस वन बाई बी माइनस ये वाला। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास वी को लेफ्ट हैंड साइड में ही रख लिया नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे इस स्टेप में, और हमने क्या कर दिया सी माइनस वन बाई ए को राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये बन गया वी इज इक्वल टू डी प्लस सी यू प्लस वन माइनस बी बाई ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए यू प्लस वन माइनस बी बाई ए माइनस सी माइनस वन बाई ए। अब आपने क्या कर लिया नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर लिया एलसीएम ले लिया। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपके पास वी इज इक्वल टू ए को, अब इसमें क्या करेंगे हम ए को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए यू प्लस वन माइनस बी बन जाएगा अंदर, ये क्या बन जाएगा वी इज इक्वल टू जो आपका डी प्लस सी था इंटू ब्रैकेट में यू प्लस वन माइनस बी बाई ए, तो ये क्या बन जाएगा
एलसीएम जब लेंगे तो ये बन जाएगा पूरे का ए डी बन जाएगा, ए डी प्लस यहाँ पे ये क्या बन गया, ए डी प्लस ए सी यू प्लस सी वन माइनस बी और डिवाइडेड बाय सारे के ए, ऐसे ही नीचे भी एलसीएम ले लोगे आप तो क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए स्क्वायर यू प्लस ए वन माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास दूसरा वो बचेगा वन सी माइनस वन बाय ए। अब यहाँ ए से ए क्या हो गया, कट गया इस ए से, ये वाला ए कट गया ठीक है, तो यहाँ ए से ए कट गया तो बच गया आपका वी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए सी यू प्लस सी वन माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस ए स्केर यू स्टेप में प्लस ए वन माइनस बी माइनस सी माइनस वन बाय ए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब इसमें से कॉमन ले लिया, जैसे आपका ये था ना ए बी प्लस इस वाले यहाँ पे, ये आपका है डिनोमिनेटर में ये वाला, आपका ये डिनोमिनेटर में हम लेंगे ना ये वाला, ये क्या है आपका ए बी प्लस ए स्केयर यू, ये क्या है आपका, ये आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे ए बी प्लस ए स्केयर यू प्लस ए वन माइनस बी ठीक है। अब इसमें क्या कर लेंगे हम, ए कॉमन ले लेंगे पहले, तो ए कॉमन ले लिया अंदर बच गया आपका बी प्लस बी प्लस ए यू ठीक है, और दूसरा क्या था प्लस क्या था आपका प्लस साथ में क्या है प्लस ए इंटू वन माइनस बी ठीक है। अब इसमें से फिर से फर्दर ए कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से, और ये हो जाएगा ए कॉमन निकल गया तो ये अंदर बच गया बी प्लस ए यू प्लस वन माइनस बी, और ये बी से बी आपका कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया वन प्लस ए यू इंटू बाहर क्या बच गया ए, तो वही चीज़ यहाँ पे आपका क्या हो गया इस वाले स्टेप में, यहाँ नीचे क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप में आपका बच के आ गया ए वन प्लस ए यू ठीक है। माइनस सेकंड में हमने यहाँ पे तो ये कॉमन आ गया, सेकंड में हमने क्या कर लिया सी माइनस जो यहाँ पे हमारा था सी माइनस वन बाय ए था, तो सी माइनस वन बाय ए को आपने वन प्लस ए यू से ही मल्टीप्लाई कर दिया और वन प्लस ए यू से ही आपने डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से आपके पास क्या हो गया, ए वन प्लस ए यू आपका डिनोमिनेटर में कॉमन निकल आया, तो आपका ये बन गया ऊपर इस स्टेप में वी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए सी यू प्लस सी माइनस सी बी, ये सी वन माइनस बी था इसको ओपन करके लिख दिया सी माइनस सी बी माइनस सी माइनस वन वन प्लस ए यू, एंड इन नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा वी किसके इक्वल आ जाएगा, वी इज इक्वल टू ए डी, हियर क्या हो जाएगा आपके पास वी किसके इक्वल आ गया इसमें ए डी प्लस ए सी यू प्लस सी माइनस सी बी। अब उसको भी ये जो आपका यहाँ पे था ना मल्टीप्लाई में सी माइनस वन ए प्लस ए यू, इसको भी ओपन करके यहाँ पे लिख दिया और ये बन गया आपके पास माइनस सी माइनस ए सी यू प्लस वन प्लस ए यू। अब यहाँ पे आपके पास जो चीज़ कट रही है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, अब देखेंगे हम इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ए सी यू से ए सी यू कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस से प्लस माइनस, उसके बाद सी से आपका सी कैंसिल आउट हो गया, एंड आपका बच क्या गया ए डी माइनस सी बी लिख लो या बी सी लिख लो, इसमें आपका ए डी माइनस बी सी प्लस वन प्लस ए यू डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए यू, ये बच गया यहाँ पे इन दिस स्टेप। उसके बाद एस किस एस जो सिस्टम मैट्रिक्स था हमारे पास वो क्या क्या था, बी माइनस ए माइनस बी सी हम लिख चुके हैं ना सिस्टम मैट्रिक्स, तो जो हम लेके चले थे पहले वो यही लेके चलते हैं ना, बी माइनस ए माइनस डी माइनस इंट सी चौथा एलिमेंट इसका क्या है सी, और जो हमें पता है अगर आपकी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स है या ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है या फिर आपकी सिस्टम मैट्रिक्स है दोनों का प्रोडक्ट, हम देख चुके हैं कि सभी का डिनोमिनेटर किसके इक्वल होता है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर ऑफ एस इज इक्वल टू वन आप पुट करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास बी सी माइनस ए डी इज इक्वल टू वन, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आप निकालोगे वो क्या होता है बी सी माइनस माइनस ए इंटू माइनस डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो माइनस ए डी बच जाएगा, तो बी सी माइनस ए डी किसके इक्वल आ गया वन के इक्वल, तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है
आपकी ये वाली 4.70, ये वाली, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है ऊपर न्यूमरेटर में, AD माइनस BC बचा है। तो AD माइनस BC की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, अगर BC माइनस AD 1 है तो AD माइनस BC किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कहाँ पहुँच जाएंगे हम, इक्वेशन 4.74 में, जिसमें V किसके इक्वल हो जाएगा, -1 + 1 प्लस AU डिवाइडेड बाई A 1 प्लस AU, -1 से +1 कैंसिल आउट, तो ये बच गया आपके पास V किसके इक्वल बच गया। और फिर क्या हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वो AU बाय क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास AU डिवाइडेड बाई A 1 प्लस AU, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A से फिर फर्दर A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होके आपका बचेगा क्या, V इज इक्वल टू, यहाँ पे V किसके इक्वल बच गया, V इज इक्वल टू U बाई 1 प्लस AU के इक्वल बच गया। और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, इसको 1 + AU को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, V 1 + AU इज इक्वल टू U के इक्वल बच जाएगा। और यहाँ से V को जब ओपन करेंगे तो ये बन गया, इसको जब हम आपने ओपन किया तो ये बन गया क्या, V + VAU इज इक्वल टू U। यहाँ से हम क्या कर देंगे इसको, ये बन जाएगा आपका UV से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से, इसमें क्या हो जाएगा, इस स्टेप में आपका ये था जो आया था V + VAU इज इक्वल टू U, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका U होगा इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और VAU को राइट साइड में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा V माइनस, या फिर V को लेफ्ट साइड राइट साइड में हम ले जाएं तो ये हो जाएगा U - V, और लेफ्ट में बच गया V * AU। और फिर वो AU को हम A को अपना कहाँ रख लेंगे, लेफ्ट में ही रख लेंगे, और UV को उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा VU - V डिवाइडेड बाई UV इज इक्वल टू A। और यहाँ से अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, U/UV - V/UV इज इक्वल टू A। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/V - 1/U इज इक्वल टू A। और इसको अगर हम लेंस फॉर्मूला से कंपेयर करें तो वो क्या होता है, फॉर लेंस आपके पास V1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/F आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है वो हमने निकाल लिया, किसके इक्वल निकाला, 1/F के इक्वल निकाला। ये कौन सी इक्वेशन निकाल ली हमने, इक्वेशन 4.75 हमने निकाल ली। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थिक लेंस का, थिक लेंस फॉर्मूला। तो थिक लेंस के लिए हमने जो आपकी मैट्रिक्स निकाल ली थी वहाँ पे, जब हमने डिस्कशन जनरल डिस्कशन किया था किसके लिए, अगर आपका एक ऑप्टिकल सिस्टम है तो उसमें सिस्टम मैट्रिक्स हमारी किसके इक्वल निकल के आई थी, इक्वेशन 4.55, उस पर एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन 4.55 पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं हम ये सारा, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 4.55 किसके इक्वल निकल के आती थी, ये इक्वेशन 4.55, ये यहाँ पे एस किसके इक्वल निकल के आता था, एस इज इक्वल टू 1/P2 T/μ - P1 - P2 1/P1 T/μ T/μ - P1 T/μ+1। और यहाँ से आगे हमने लेंस फॉर्मूले निकाले थे थिक और थिन लेंस के लिए। ठीक है, तो थिन के लिए तो हमने निकाल दिया था कि टी को 0 पुट कर दिया था, सिंपल सी इक्वेशन रह गई थी। लेकिन जब हम थिक लेंस के लिए निकालने गए थे वहाँ पे तो हमें दिक्कत आई थी, क्योंकि हमारी ये कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन यहाँ पे बन गई थी, ये वाली इक्वेशन आपके यहाँ पे बन गई थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन 4.55 को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने इस आर्टिकल में। तो अब हम ये डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन 4.55 को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, एस किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - P2 T/μ - P1 - P2 1 - T/μ * P1 T/μ1 - T/μ P1। ठीक है, और जब इसको कंपेयर करेंगे सिस्टम मैट्रिक्स से, जो सिस्टम मैट्रिक्स होती है आपके B - A - DC, तो उससे कंपेयर करेंगे आपकी ये इक्वेशन जो आपकी सिस्टम मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रखी है ना, जो हमने बेसिकली ये वाली S = B - A - DC, इसके साथ जब इस इक्वेशन के साथ, इस जनरल इक्वेशन के साथ
जब इस स्पेसिफिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो बी किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, बी इज इक्वल टू वन माइनस यहाँ पे पी टू टी बाई म्यू ए किसके इक्वल निकल के आएगा, ए इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू वन माइनस टी बाई म्यू पी वन, ऐसे ही सी इज इक्वल टू वन माइनस टी बाई म्यू इन टू पी वन, और डी किसके इक्वल निकल के आएगा, डी इज इक्वल टू माइनस टी बाई म्यू के इक्वल निकल के आएगा। ठीक है, तो ये अब हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम निकालते हैं डी यू वन की वैल्यू, क्योंकि डी यू वन की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं अभी इसी आर्टिकल में, हमने निकाली थी स्टार्टिंग में सबसे पहले जो वैल्यूज़ निकाली थी इक्वेशन 4.65 ये वाली इस इक्वेशन में और 4.66 में। डी यू वन तो निकाला था 1 माइनस बी बाई ए के इक्वल, और डी यू टू निकाला था सी माइनस से 1 बाई ए के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डी यू वन और डी यू टू की वैल्यू पुट कर देंगे। डी यू वन इज इक्वल टू वन माइनस बी बाई ए, और डी यू वन अब बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पे हम इस इक्वेशन में 4.75 ए में निकाल चुके हैं 1 माइनस पी टू टी बाई म्यू, तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे बी की जगह 1 माइनस पी टू टी बाई म्यू, और ए की जगह पुट कर देंगे आपके पास पी वन प्लस पी टू वन माइनस टी बाई म्यू इन टू पी वन, और फाइनली ये जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी वन की ये वैल्यू आ जाएगी पी टू टी बाई म्यू पी वन प्लस पी टू वन माइनस टी बाई म्यू पी वन, और डी यू टू ऐसे सिमिलरली जब डी यू टू हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी यू टू की जो हमने वैल्यू निकाली थी सी माइनस वन बाई ए की, और जब आप सी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा वन माइनस टी बाई म्यू पी वन माइनस वन बाई पी वन प्लस पी टू वन माइनस टी बाई म्यू इंटू पी वन, और फाइनली जब आप इसको सोल्व कर लोगे वन से वन कट जाएगा, वो सोल्व करने के बाद आपके पास आ गया डी यू टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी इंटू पी वन बाई म्यू पी वन प्लस पी टू वन माइनस टी बाई म्यू इंटू पी वन। अब हमारे पास हम बात करें, ये आपके पास इक्वेशन बन गई 4.77। अब हम बात करें उसकी, अब हम मान के चल लें कि हमारे पास दो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक जैसे हैं, एक जैसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे तो उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और हमने माना था कि जो हमारा सिस्टम है दैट सिस्टम कहाँ पे रखा हुआ है, उसके फ्री स्पेस में है, जो अब तक ऑप्टिकल सिस्टम है, तो दैट मीन्स ऑप्टिकल सिस्टम के लेफ्ट साइड में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन होगा, ऑप्टिकल सिस्टम के राइट साइड में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन होगा, और जो आपका ऑप्टिकल सिस्टम है विद इन ऑप्टिकल सिस्टम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा। तो जो ये हमारी फिगर दे रखी है ये वाली इस 4.8, इस 4 पॉइंट में अगर हम 8 में देखें, ये वाला जो इस 4.8 में देखिए जो, तो ये लेफ्ट साइड में जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, राइट साइड में इधर भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ बीच वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा आपका, म्यू होगा। ठीक है, लेंस वाले रीजन में। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास जब आपकी आर वन इज़ इक्वल टू आर टू इज़ इक्वल टू आर, अगर दोनों आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक जैसे हैं तो पावर किसके इक्वल होती है, पावर आपकी होती है म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो म्यू टू आपके पास क्या है, जब आप बात करोगे पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, इस फिगर में जब आप बात करोगे पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, तो पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में म्यू वन तो हो जाएगा आपका वन, और म्यू टू हो जाएगा ये इनके बीच का जो आपका रीजन है, म्यू वन तो ये वाला हो जाएगा, और म्यू टू जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो म्यू है, और आपका तो क्या हो जाएगा वन माइनस म्यू माइनस वन बाय आर हो जाएगा। और जब आप इस वाले सेकंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस की पावर निकालोगे तो इसमें आपका म्यू वन तो हो जाएगा ये म्यू, और जो आपका म्यू टू होगा वो म्यू टू क्या हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस म्यू बाय आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास दैट, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे आए तो ये आपके पास हो गया पी वन, मैग्नीट्यूड पी वन का इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी टू इज इक्वल टू म्यू माइनस वन बाय आर, और पी वन किसके इक्वल हो जाएगा म्यू माइनस वन बाय आर वन, और यहाँ से पी टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, वन माइनस म्यू बाय आर टू था ना, तो उसकी जगह माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन गया म्यू माइनस वन बाय आर टू। अब डी यू वन में की जो वैल्यू आई थी हमारे पास ये वाली,
इसमें हम क्या पुट कर देंगे, पी वन और पी टू की वैल्यू पुट कर देंगे, या जो कुम हमने देखा पी वन और पी टू सेम आ रही है, वैल्यू दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें क्या कर लेंगे, डी यू वन किसके इक्वल था, डी यू वन इज़ इक्वल टू पी टू टी बाय म्यू, ये डी यू वन की वैल्यू थी ना, म्यू पी वन प्लस पी टू वन माइनस वन बाय म्यू इंटू पी वन। अब इसमें हम या तो आप, क्योंकि पी वन और पी टू की वैल्यू सेम आ चुकी है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों को ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे पी वन की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू माइनस वन बाय आर वन, और पी टू की वैल्यू आ रही है माइनस म्यू माइनस वन बाय आर टू, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, जब आप आर वन और आर टू की जगह आर पुट करोगे, तो आप देखोगे जो अगर हम क्या करें, इस फिगर में देखें, ये जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर में अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस वन है, तो उसमें जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये वन ये वाला है, तो इसमें आर किस साइड होगी, इस साइड होगी, है ना, तो राइट साइड में होगी, राइट साइड में होंगी तो आर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन जब हम सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की को देखेंगे, तो उस केस में जो आप आर की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, और लेफ्ट में हम डिस्टेंसेज ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में डिस्टेंस लेंगे, तो वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, तो जो सेकंड केस है उसमें आर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नेगेटिव जो होगा ना, वो नेगेटिव क्या कर देगा, जो ऊपर नेगेटिव आ रहा है इस इक्वेशन में, यहाँ पे जो आप आर लिख रहे हो, जो हम यहाँ पे आर लिख रहे हैं, जो ये आपका यहाँ पे आया पी टू इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस वन बाय आर टू, तो जब आर टू को आर से रिप्लेस करोगे, तो आर से रिप्लेस होने की बजाय माइनस आर से होगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका मतलब पी वन और पी टू एग्जैक्टली सेम है। तो अब जब हम यहाँ पे तो आपके पास P1 और P2 आपके पास क्या है, एग्जैक्टली सेम है, और जब P1 और P2 एग्जैक्टली सेम होंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम DU1 में कॉमन निकाल लेंगे, जब डी यू वन की वैल्यू निकालेंगे, तो पी वन कॉमन निकल गया, पी वन निकाल लो या पी टू दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से इस ब्रैकेट से ये पी वन यहाँ पे निकल गया बाहर, और इस पी वन से ये पी टू यहाँ पे ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, ये टी बाय म्यू वन प्लस वन माइनस टी बाय म्यू इंटू पी वन बच जाएगा, और यहाँ से आपके पास डी यू वन किसके इक्वल आ जाएगा, जब आप P1 की वैल्यू पुट कर दोगे, P1 की वैल्यू कितनी है, म्यू माइनस वन बाय आर, ये यहाँ पे पुट कर दी, पुट करने के बाद आपके पास क्या आ गया, डी यू वन किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, यहाँ पे T बाय म्यू टू माइनस टी म्यू माइनस वन बाय म्यू आर के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, अगर हम मान के चलें कि आपकी जो थिकनेस है ऑप्टिकल सिस्टम की एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, वो बहुत कम है, T इज़ वेरी वेरी लेस देन आर है, तो हम क्या कर सकते हैं, T को जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, जो आपकी ये वैल्यू है ना, T इज़ वेरी वेरी लेस देन R, तो T को जब R से डिवाइड करोगे, यहाँ पे जब T को R से, T ये है ना T म्यू माइनस वन बाई म्यू इंटू आर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब T को R से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी आपको, और 2 के कंपैरिजन में ये था ना 2 माइनस T बाय म्यू आर म्यू इंटू वन, तो T इज़ वेरी वेरी लेस देन R हो जाएगा, तो इसका मतलब T बाय R एक बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 के कंपैरिजन में ये बहुत छोटी वैल्यू रहेगी, तो 2 में से मान लो आप 0.0001 माइनस करो, तो वो 2 ही रहेगा, उस पर कोई भी फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये डी यू वन किसके इक्वल आ जाएगा, टी बाई टू म्यू के इक्वल आ जाएगा, सिमिलरली डी यू टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस टी बाई टू म्यू के, जैसे डी यू वन को कैलकुलेट किया है ना, ऐसे ही डी यू टू को जब करेंगे और ये कंडीशन लगाएंगे टी इज़ वेरी वेरी लेस देन आर वाली, तो डी यू टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस टी बाई म्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास डी यू वन और डी यू टू क्या थे, दीज आर द डिस्टेंसेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट प्लेन, तो आपका क्या होगा, डी यू वन तो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स सेकेंड फर्स्ट नोडल प्लेन इज़ ऑन राइट साइड ऑफ
ऑप्टिकल सिस्टम और जो आपका डी यू टू है उसकी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ ऑन लेफ्ट साइड ऑफ सेकंड जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, तो वो इस तरह से मिलेंगे जैसे फिगर में ना, जो आपको ऑप्टिकल जो आपको नोडल प्लेन्स मिलेंगे ना, फिर वो नोडल प्लेन्स कैसे मिलेंगे, नोडल प्लेन्स आपको ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस फिगर में, ये नोडल प्लेन इस फिगर में आप देखोगे तो नोडल प्लेन जो फर्स्ट नोडल प्लेन है वो तो आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग, क्योंकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, डिस्टेंसेस राइट साइड में हम पढ़ चुके हैं साइन कन्वेंशन की, राइट साइड में डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टी बाय टू म्यू हमारे पास हो गया, और राइट में क्या हो गया, टी बाय ये जो टी बाई टू म्यू वैल्यू आई ये तो आई फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के राइट साइड में, और जो सेकंड वैल्यू आई वो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड में, मतलब ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर ही आपको क्या मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड नोडल प्लेन मिलेंगे, ऑप्टिकल सिस्टम के बाहर आपको ये नहीं मिलेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, अगर हमें जब लेंस फॉर्मूला निकालना है तो इक्वेशन जो 4.75 हमारे पास आई है यहाँ पे, ये जो 4.75 आई है ना इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे 1/v-1/u=a के इक्वल आया, या फिर हम बोले 1/v-1/u=1/f के इक्वल आया है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 1/f=a के इक्वल हो जाएगा, और a की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 4.75 a से यहाँ पे ये a की वैल्यू कितनी है, a=P1+P21-T/μ(P1), तो 1/f को किसके इक्वल पुट कर देंगे, a के इक्वल पुट कर देंगे, और a की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो a की ये वैल्यू है, यहाँ पे जो P1 की वैल्यू थी और P2 की वैल्यू थी वो वैल्यूज़ हम लोग पुट करके और फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/f- ये यहाँ पे जो दे रखा है ना ये a ना हो के, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ए नहीं है यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/f, ए की तो हम वैल्यू पुट ही कर चुके हैं ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/f=, या फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 1/f=a आया था ना आपके पास, तो 1/f-a=0 हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/f-P1-P2, ये इसमें ये 8 जाएगा, 1/f-P1-P2/T-μ/P(P1=0 हो जाएगा, और यहाँ से जब आप वैल्यूज इनकी पुट करोगे कि 1/f-μ(μ1), जब आप P1 की वैल्यू पुट करोगे μ-1/r1, और μ2 की वैल्यू पुट करोगे μ-1/r2 बाहर माइनस, और ये जो अंदर था जो आपका T/μ, यहाँ पे T/μ(P1) था, फिर से P1 की वैल्यू पुट कर दी, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपको मिलेगी इक्वेशन 4.80, वो आएगी 1/f-μ-1/1/r1-1/r2+μ-1 का होल स्क्वेयर T/μ(r1, r2) और ये इज इक्वल टू 0 आएगी, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये देखना, या फिर ये क्या लिखोगे आप 1/f=1/f- लिख रहे हो तो इज इक्वल टू ये चीज़ किसके आएगी, 0 के आएगी, दैट दिस इज़ आवर लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस, या तो आप इसको लिख लो 1/f-μ-1/1/r1-1/r2+μ-1 का होल स्क्वायर T/μ(r1, r2=0, या आप इसको लिख लो क्या बोलते हैं 1/f=, करके ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये यूनिट प्लेन था ये हमने देख लिए कि यूनिट प्लेन क्या है, कैसे हम उससे थिक लेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या कंडीशंस होगी, उससे आगे का नेक्स्ट नोडल प्लेन्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक